अदाबी आईपीटीवी, सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वर्ल्ड कप के लीग मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर टॉप में रहने वाली टीम इंडिया सेमीफाइनल में जाकर हार गई, जिसे करोड़ों क्रिकेट फैंस काफी दुखी हैं। अब बीसीसीआई के इस हार का कारण तलाश रहा है कि आखिर टीम 240 रन कैसे नहीं बना सकी और इस शर्मनाक हार का असली जिम्मेदार कौन है। और सबसे पहले तो इसका जवाब कोच रवि शास्त्री और कोचिंग स्टाफ को देना पड़ेगा और मध्य क्रम की विफलता के बारे में भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा, जो सेमीफाइनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा की विफलता के बाद एक बार फिर ढह गया। अब दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर बता दें जो अभी निकल कर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से इतनी बुरी तरह हार कर बाहर हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली की एक तरफा सोच है जो वे टीम पर थोपते हैं, और डर की वजह से कोई उनका विरोध नहीं करता है क्योंकि सबको पता है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय कोहली को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से नंबर चार पर भारतीय टीम को अभी तक कोई स्थायी बल्लेबाज नहीं मिला है। 2015 विश्व कप के बाद से इस नंबर पर टीम ने करीब 11 बल्लेबाजों को आजमा चुकी है, लेकिन फिर भी टीम इस नंबर पर किसी को फिक्स नहीं कर सकी और हद तो तब हो गई जब विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी टीम चार नंबर के लिए प्रयोग ही करती रही। टीम मैनेजमेंट को अभी तक पता ही नहीं था कि किसे चार नंबर पर खिलाया जाए। टीम कभी विजय शंकर को तो कभी के एल राहुल और फिर ऋषभ पंत को आजमाया। अब दोस्तों आप ही बताइए कि जब टीम को यही नहीं पता कि चार नंबर पर आज कौन सा बैट्समैन खेलेगा तो कैसे कोई टीम बड़ा टूर्नामेंट जीत पाएगी। अब इसलिए टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री को विश्व कप में प्रदर्शन के आधार पर इन्हें बाहर किया जा सकता है क्योंकि शास्त्री ने टीम में सिर्फ प्रयोग ही किए और रिजल्ट नहीं दे पाए। अब बीसीसीआई रवि शास्त्री को हटाने का मन बना ली है। अब दोस्तों शास्त्री के जगह पर क्रिकेट फैंस के चहेते पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया कोच बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार राहुल द्रविड़ को कोच बनाने के लिए कपिल देव की कमेटी भी विचार कर रही है, साथ ही उनके सपोर्ट में कई दिग्गज भी हैं। बताया जा रहा है कि द्रविड़ को कोच बनाने की कवायद तेज हो गई है और जल्द ही इसके लिए बैठक हो सकती है। हालांकि एक और नाम गांगुली का रहा है, लेकिन राहुल द्रविड़ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है क्योंकि राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम के कोच भी रह चुके हैं और उनके रहते ही टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम का अगला कोच किसे बनाना चाहिए, राहुल द्रविड़ को या सौरभ गांगुली को? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।